गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। पटना में उनका 9 घंटे का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक के समापन का आज दिन है। कल ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा पटना में एक जोरदार रोड शो किए। ये रोड शो काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है बिहार के राजनीति में इन दिनों। इधर जेपी नड्डा कल पहुंचे और आज अमित शाह इस कार्यक्रम के समापन में पहुंच रहे हैं, और ये जेपी नड्डा और अमित शाह के आने की वजह सिर्फ और सिर्फ बिहार में राजनीति हलचल को लेकर के है। जिस तरीके से बिहार में जो खटपट चल रही है एनडीए में, ऐसे में बीजेपी ने अब कमर कस ली है कि बिहार में पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार बनने वाली है, और इसी को लेकर के तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। और इसकी एक झलक कल रोड शो के दौरान देखने को मिला, जब जेपी नड्डा ने पटना हाईकोर्ट से जेपी गोलंबर गांधी मैदान तक भव्य रोड शो किया। इस रोड शो में बीजेपी के तमाम बड़े मंत्री, नेता और साथ ही साथ जिन कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, हर तरफ सिर्फ बिहार में बीजेपी की सरकार हो ऐसी बातचीत चर्चाएं कर रहे थे। तो अमित शाह का आज पटना में कार्यक्रम होने वाला है, और जो कार्यक्रम है वो कुछ इस प्रकार से है। भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी दो दिनों के कार्यक्रम में दूसरे दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह शामिल हो रहे हैं। हालांकि उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे। गृह मंत्री अमित शाह लगभग 9 घंटे पटना में रहेंगे। इस दौरान संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अलावा बिहार प्रदेश में राजनीति रूप में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज 1:30 पर पटना एयरपोर्ट पर अमित शाह पहुंचेंगे। भाजपा के बड़े नेता उनका स्वागत करने के लिए रहेंगे। उसके बाद एयरपोर्ट से सीधे अमित शाह होटल मौर्या जाएंगे, जहाँ पर भोजन अवकाश के बाद 3:30 ज्ञान भवन के लिए निकलेंगे। 4:00 से लेकर 5:20 तक संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति का समापन भाषण देंगे। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष 5:30 भाजपा प्रदेश कार्यालय आएंगे। यहां 5:30 से लेकर 7:00 तक बिहार के सांसद, विधायक, विधान पार्षदों के साथ बैठक करेंगे। 7 से 7:30 तक रात्रि भोजन होगा। 7:35 से 8:45 तक गृहमंत्री अमित शाह प्रदेश कोर कमेटी की बैठक करेंगे। 9:00 रात में होटल मौर्या जाएंगे और जहां 10:00 तक रुकेंगे। उसके बाद 10:00 दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इन सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अमित शाह के साथ मौजूद होंगे। इधर अमित शाह के आने के पहले मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सुबह बुद्धा स्मृति पार्क में ज्ञान भवन तक शोभा यात्रा निकाल चुके हैं। शोभा यात्रा में सभी मोर्चों के 750 प्रतिनिधि अपने परिधान और प्रादेशिक पोशाक में मौजूद थे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद द्वारा रचित पुस्तक स्मृति साक्ष का लोकार्पण 12:30 पटना के बापू सभागार में करेंगे। इस कार्यक्रम में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख अरुण जैन और बिहार के कई विधायक, सांसद, मंत्री और केंद्रीय मंत्री इस समारोह में हिस्सा लेंगे। तो बिहार में आज अमित शाह का भव्य कार्यक्रम होने वाला है, और इस कार्यक्रम में बिहार भाजपा के तमाम विधायक, विधान पार्षद, सदस्य, साथ ही साथ मंत्री, तमाम लोग अमित शाह उनके साथ मीटिंग करेंगे। और एक तरीके से 2024 के चुनाव की तैयारियों के रूप में लोग इसे देख रहे हैं। फिलहाल आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। पल पल की खबरें हम आपको लगातार देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।